17 सितंबर हनुमान जी का वार, आज है मंगलवार, अनंत चतुर्दशी और पितरों को मिलेगा आज श्राद्ध से आशीर्वाद। धरती योग और कुंडली में बन रहे शूल योग से वर्क प्लेस पर वर्किंग एफिशिएंसी शानदार रहेगी। चंद्रमा और केतु का षडाशक दोष, स्टूडेंट आर्टिस्ट हो या प्लेयर हो या आपका हो, कोई ध्यान भटकाने का काम करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहें। चंद्रमा पर बुध की दृष्टि से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। परिवार में खुशियों के लिए अनंत चतुर्दशी पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अमृत के चौकड़िया का क्या महत्व है। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला, आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सुख समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सके। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 सितंबर मंगलवार आज का राशिफल। आपके साथ मंगल ही मंगल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिनों तक गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान रहे, हमें आशीर्वाद दिया। अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा बोरिया के उद्घोष के साथ आप सभी आज विसर्जन करेंगे। आज अनंत चतुर्दशी है प्रिय साथियों, जिसपे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं, जिसपे पितरों को हमें आशीर्वाद मिले और पितरों को गति मिले। आज अनंत चतुर्दशी पर मैं हर राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा। आज के दिन यानी अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला 16 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। एक मौली ले लीजिए, उसमें हर थोड़ी देर बाद हर थोड़े जगह छोड़कर गांठ बांध दीजिए। ऐसी 16 गांठ को अपने हाथ में या फिर कलाई में बांधना चाहिए, बाजू में बांधना चाहिए, नहीं तो अपने पर्स और वॉलेट में रखना चाहिए। जब पांडव धृत किरीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। प्रिय साथियों, श्रद्धा से करने वाला है श्राद्ध कर्म। कुछ कर्म होते हैं जो आपकी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं कि आपके भाव बहुत अच्छे हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो आपके भाव ही भगवान देखते हैं। लेकिन श्राद्ध में भाव के साथ क्रिया प्रदान है, यानी सही तरीके से श्रद्धा से श्राद्ध कर्म कीजिए। और इन 15 दिनों में मांस मदिरा झूठ बोलना व्यभिचार, इस सब चीजें जो करने भी नहीं चाहिए, इससे आपको दूर रहना चाहिए। और भक्ति पूजा पाठ, शांत वातावरण, ना ही कोई तड़क भड़क वाले कपड़े पहने, बिल्कुल शांत मन से अपने समय को निकालना चाहिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 सितंबर को मुंबई हूँ, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर लखनऊ, 5 अक्टूबर को मुंबई और 6 अक्टूबर को मैं पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आप भी हैं जमीन और जायदाद की समस्या से परेशान, तो ये 4 विशेष उपाय का कार्यक्रम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसे लिंक में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 11:44 तक चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 1:53 तक शतभिषा नक्षत्र और बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया धरती योग और शूल योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ है तो शशु का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आज शनि और चंद्रमा का विष दोष भी रहेगा। लेकिन आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो शुभ समय नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? सुबह 11:44 से रात को 9:56 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी और भद्रा में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। और दोपहर 3 से 4:30 तक राहु काल भी रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को मंगल ही मंगल दिन में चाहिए तो सुबह उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। पेपर पेन लेकर क्या चाहिए आपको और कैसा दिन होना चाहिए उसे लिखिए और वैसे ही चलते जाइए। धरती और शूल योग के बनने से एक्सपेंडिचर आपके नॉर्मल रहेंगे, लेकिन आमदनी बढ़ाने पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे चेहरे पर खुशी आ जाएगी।
वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका आपके हाथ लग सकता है। लीडरशिप क्वालिटी वैसे भी आपके अंदर है, लेकिन कई बार गुस्से में सब बिगाड़ देते हैं। आपके आइडियाज और प्लान जल्द लागू होंगे अगर आप किसी को नहीं बोलेंगे। मान और पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। इकोनॉमिक लेवल पर हालात आपके बेहतर होंगे। किसी भी तरह की गतिविधियों को करते समय सुरक्षा के सभी नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि लापरवाही के चलते चोट दुर्घटना हो सकती है। परिवार में आपकी सलाह बहुतों के काम आएगी, इसलिए अपनी बात को कहने में झिझक नहीं करें और बिना मांगे सलाह नहीं दें। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर की खुले दिल से मदद कर पाएंगे और सेहत के मामले में दिन नॉर्मल है। घर से जुड़े जरूरी सामान की खरीदारी आज लिस्ट बनाकर करेंगे और बजट बनाकर करेंगे तो कम पैसे में ज्यादा खरीदारी हो सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन शानदार है। आपको कुछ नया सीखने और उसे अपनाने का मौका मिलेगा। अनंत चतुर्दशी पर बार बार इंटरव्यू में असफलता मिलती है। हाथ आए हुए ऑर्डर व्यापारियों चले जाते हैं, ग्राहक चले जाते हैं, तो आज आपको भगवान गणेश जी को दूर्वा लाल पुष्प अर्पण करें और लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। वृषभ राशि, जॉब प्रोफाइल में थोड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ नया सीखने और करने का मौका मिलेगा। जो डेयरी प्रोडक्ट चला रहे हैं, खाने पीने चीजों काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं, और ज्यादा प्रयास आपको करने होंगे तब जाकर कस्टमर जुड़ेंगे। बिजनेस पर्सन जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पूंजी निवेश करने के बारे में सिर्फ आज प्लान करिए और थोड़ा इंतजार करिए इंप्लीमेंट के लिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी नई ऊंचाई पर आपको लेके जाएगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच सुर ताल और लय बिठाने के लिए आपको बीच बचाव करना होगा, तब जाकर घर का वातावरण अच्छा बन पाएगा। परिवार के पुराने संकट और बाधाएं अब जल्द समाप्त होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ घर में सुखद पल बिताने का आपको जो मौका मिलना चाहिए था वो आज मिल जाएगा। सोशल लेवल पर आप नहीं आपके काम बोलेंगे तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। जिन युवाओं का कोई अतीत रहा है, झगड़े फसाद या कुछ भी रहा है, उसे वर्तमान में आप मत सोचिए, ना किसी और की दखल अंदाजी बर्दाश्त करिए, सूझबूझ से काम लीजिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की चिंता में आज दुबले होने वाले हैं। घर से संबंधित खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो मार्केट जाते समय लिस्ट और बजट इन दोनों का ध्यान रखिए। सेहत में पहले से सुधार है। अनंत चतुर्दशी पर आज व्रत करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। शादी नहीं हो रही है, पति पत्नी में झगड़ा फसाद मन मुटाव है तो भगवान अनंत यानी विष्णु भगवान की गंध पुष्प आदि से पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और अनंत को यानी भगवान विष्णु जी को कच्चे केले का भोग लगाइए। आज चाहे तो किसी को गणेश जी उपहार स्वरूप दे सकते हैं उनकी मूर्ति को। मिथुन राशि, अच्छे काम करने से आपका भाग्य चमकेगा। कुछ अच्छा आपको पढ़ने लिखने और किसी की मदद करने मौका मिलेगा। फैमिली बिजनेस में आप एंट्री करने वाले हैं तो साथ ही अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने का भी सोच रखा है तो माता पिता से पहले पूरा आशीर्वाद दीजिए और आज के दिन सिर्फ प्लान करना चाहिए क्योंकि बदरा है आज। बिजनेस में आपकी महत्वाकांक्षाएं नई दिशा की तरफ आपको ले जा सकती है। धन वृद्धि के नए योग बन रहे हैं। इकोनॉमिक लेवल पर बेहतरी आपको मिलेगी और चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। नौकरी में पदोन्नति के सुखद संयोग बन रहे हैं। आपके संबंध सभी के साथ बढ़िया रहेंगे और ये काम की और बेहतरी आपको जरूर मिलेगी और आप अपनी एक सही भूमिका भी आज अदा कर पाएंगे। पारिवारिक स्थिति के लिहाज से दिन सामान्य है। शाम को सबके साथ मिलकर भगवान की आरती करें और गूगल धूप या कपूर की आरती पूरे परिवार को करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर अप्स एंड डाउन थोड़ा रहेगा, लेकिन आप धीरज धैर्य संयम रखिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी मेहनत आज बोलनी चाहिए। आप टाइम वेस्ट मत करिएगा क्योंकि ऐसा होने वाला है। मैनेजमेंट, लॉ और चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस की पढ़ाई करने वाले लोगों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह आपके बड़ी काम आ सकती है। अपने पार्टनर को फुल आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, उन्हें फ्री हैंड दीजिए, वो बेहतर काम करके आज आपको दिखा देंगे। सामाजिक स्तर पर आपके पेंडिंग काम आज कंप्लीट होंगे और आज आपको अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल करने मौका मिले तो चूकिएगा मत। अनंत चतुर्दशी का आज व्रत करना चाहिए। व्यापार में हानि हो रही, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद घर पर ही भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें और उसके बाद ओम अनंताय नमः 11 मिनट तक जाप करना चाहिए और फिर थोड़ी सी दूर्वा और लाल पुष्प गणपति भगवान को अर्पित कर दीजिए। बोलो गणपति बाप्पा बोरिया। कर्क राशि, ननिहाल से संबंध सुधारिए, बहस तो बिल्कुल मत करिएगा। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई रॉन्ग डील हो सकती है। व्यापारियों को थोड़ी फाइनेंशियल बाधा आ सकती है, इसलिए एडवांस में प्रिपरेशन करके रखिए। परिपक्व हैं आप तो वो परिपक्वता दिखनी चाहिए।
जॉब में शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बोलेंगे तो जॉब जा सकती है, जॉब में कोई तकलीफ आ सकती है, किसी से झगड़ा फसाद भी हो सकता है। वर्क प्लेस पर सतर्क रहें क्योंकि विरोधी कुछ ज्यादा ही सतर्क है आपको फंसाने के लिए। फैमिली में आप मेंटली थोड़े टॉर्चर होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कुछ नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। सेहत के मामले में दिन आपके लिए बेहतर पूर्ण रूप से नहीं है। ना चाहते हुए भी यात्रा आपको टेंशन में डाल सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कठिनाइयों पर नहीं सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का जादू चलना चाहिए, लेकिन पुराने या गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करिएगा। अनंत चतुर्दशी पर आज व्रत करना चाहिए। घर को लेकर या दुकान ऑफिस फैक्ट्री को लेकर कोई तकलीफ आ रही है तो आज के दिन व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश जी को सफेद चंदन का तिलक करें, मोदक का भोग लगाएं और शाम के समय ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं और कोशिश करें कि आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर किया जाए। आइए प्रिय साथियों, चार राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि परिवार की खुशियों को बढ़ाने के लिए अनंत चतुर्दशी पर हम क्या कर सकते हैं। आज प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पूर्व दिशा में एक लकड़ी का बाजोट रख दीजिए, उस पर पीले वस्त्र बिछा दीजिए और उन पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के दाहिनी तरफ चावल की एक कटोरी रख दीजिए और जिस पर एक कलश में जल, कुमकुम, इत्र, सुपारी और सिक्का डाल दीजिए। फिर 11 अशोक के पत्तों को उनके चारों तरफ रख के मध्य में एक पानी वाला नारियल स्थापित कर दें और अनंत कलश को चावल की ढेरी पर स्थापित कर दीजिए या फिर जो चावल का कटोरा या कटोरी रखी उस पर रख सकते हैं। अब जितने परिवार में सदस्य हैं उतने लाल रेशमी धागे लेकर उसमें 14 या 16 गांठ लगाकर एक कटोरी में 5 कपूर के साथ रख दीजिए। अब धूप दीप करके लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष माला से ओम अनंताय नमः ये 5 माला जाप करने चाहिए और जाप के बाद 14 या 16 गांठ वाला जो धागा आपने बनाया है वो परिवार के सभी सदस्य बांध ले और कपूर से पूरे घर में जो धूप और अगरबत्ती करनी चाहिए या कपूर की आरती करनी चाहिए। कपूर का धुआं चारों तरफ होना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता घर से चली जाती है। अगर आप धागा बांध नहीं सकते तो अपने पर्स या वॉलेट में हमेशा के लिए रख सकते हैं। सिंह राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ मन भेद और मतभेद हो सकते हैं, बॉन्डिंग मजबूत करिएगा। धरती और शूल योग के बनने से बिजनेस में प्रॉफिट की डील आपके हाथ लग सकती है, लेकिन लापरवाही से कहीं गवाह न दें। व्यापार में परिश्रम से ही आज लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर सहकर्मी यानी आपके आसपास जो काम करे लोग हैं उनसे तालमेल अच्छा रहेगा तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी काम करेगी और काम बांट के काम करोगे तो मन में निराशा के बादल दूर हो जाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने लिए कुछ मोटिवेशनल चीजें आपको सीखनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में सुधार आएगा। फैमिली लाइफ में घरेलू खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही तो गृह कलेश ना हो जाए। आप संभव हो सके तो छोटे बच्चों के साथ छोटे ही हो जाएं और बड़ों के साथ तो छोटे रहना ही है। सकारात्मक ऊर्जा परिवार में आपके द्वारा आ सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्सेंट्रेशन की आज ज्यादा जरूरत है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को स्टडी के अलावा अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। संबंधों में सुधार लाना चाहते हैं, किसी से बिगड़ी बाजी जीतना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी आज पूजा के समय 2 केले ले लीजिए और उन पर अलग अलग मौली लपेटकर भगवान गणेश जी के सामने भी रख दीजिए या एक ही मंदिर में रख दीजिए। जब पूजा पूरी हो जाए यानी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें तो आपको दोनों केले किसी मंदिर में दान कर देने चाहिए दक्षिणा के साथ। कन्या राशि, पुराने किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। व्यापार में अच्छे नतीजे मिलने से आपका विचार नई जगह पर व्यापार शुरू करने का हो सकता है, लेकिन आज सिर्फ विचार हो, प्लानिंग हो, क्योंकि भद्रा चल रही है तो शुभ कार्य न करें। वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी और स्मार्ट तरीका निकालिए ग्राहकों से डील करने का। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन करियर के क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला है। आपको बिना सोचे समझे आज यात्रा या कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। परिवार के मोर्चे पर अव्यवस्था और गड़बड़ होगी। आप और आपके जीवन साथी किसी भी मामले पर आंख बंद करके भरोसा किसी तीसरे व्यक्ति पर नहीं करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से परिवार को लेकर आज कोई बहसबाजी हो सकती है, किसी सदस्य के कुछ कहने पर आपको तकलीफ हो सकती है। हेयर फॉल, जॉइंट पेन या फिर एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान करेगी। ऐसे युवा जो प्रेम संबंध में है लेकिन रिश्तों को मजबूत करने से पहले बड़े कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है अट्रैक्शन हो, इन्फैचुएशन हो, क्रश हो, तो विवाह की बात आज न करें क्योंकि थोड़े कंफ्यूज रहेंगे आप। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आगे बढ़ने की जील होनी चाहिए, एनर्जी का सदुपयोग करेगा। मेडिकल स्टूडेंट को और प्रयास करने की जरूरत है। आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर व्रत करना चाहिए। नौकरी या व्यापार में कोई तकलीफ चल रही है, कोई मुकदमा चल रहा है तो आप फैसला आपके हक में नहीं है,
तो अनंत भगवान की पूजा यानी विष्णु भगवान की पूजा करें और साथ में एक कटोरी में गेहूं भरकर रख दीजिए मंदिर में। उन गेहूं पर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक बार जाप करें। उसके बाद गेहूं और हल्दी से भरी हुई कटोरी को किसी मंदिर में दक्षिणा के साथ डोनेट कर दीजिए। तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना और अपनाना चाहिए। इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर या आईटी प्रोफेशनल लोग, ऐसे लोग जो कोई क्रिएटिव और इनोवेटिव काम करते हैं, स्पा सलून, जिम चलाते हैं, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन लोगों को आने वाले वीकेंड में सेल कैसे बढ़े उसके लिए आज कुछ प्लान करना होगा। व्यापार में अपने प्रोफेशनल तरीके से काम करने से लाभ मिलेगा। एकाग्रता और दक्षता के साथ किया गया काम और एफर्ट फ्यूचर में प्रॉफिट की गारंटी देगा। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, लाइजर है, कंसल्टेंट है, ब्रोकर है, उन लोगों के लिए आज शानदार दिन है। जितना फिरोगे उतना आज चलेंगे, उत्साहित रहेंगे। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से आपके प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। परिवार में छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए और उनके उपयोग के काम जरूर करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ विनम्रता से पेश आइए, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बात बोल देंगे किसी और का गुस्सा उन पर निकाल देंगे। घर के जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर और साथ में प्रायोरिटी वाइज खरीदारी करेंगे तो बजट में खरीदारी कर सकेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आप सक्षम है कुछ स्पेशल करने के लिए। पॉजिटिव सुनेंगे और पॉजिटिव करेंगे भी सही। अचानक यात्रा आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर व्रत करना चाहिए। पढ़ाई छूट गई, जॉब छूट गई, व्यापार में घाटा लग चुका है तो आपको भगवान विष्णु जी के लिए आज मंदिर में बैठकर 3 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। फिर हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगा हुआ 14 या 16 गांठ वाला धागा अपने बाजू, कलाई या फिर पर्स या वॉलेट में रख सकते हैं, आपकी सुरक्षा तय हो जाएगी। वृश्चिक राशि। जमीन और जायदाद के मामले सुधारिए, इससे पहले वो और बिगड़ जाए। खरीदना हो, बेचना हो, रिनोवेशन या डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी हो, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेगुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको करने पड़ेंगे। बिजनेस पर्सन को कोई भी सौदा सोच समझकर ही करना होगा, क्योंकि बड़े लाभ का लालच देकर लोग आपके साथ जालसाजी कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर किसी से आर्ग्यूमेंट करना नुकसान दे सकता है, इसलिए जितना मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा है। विष दोष के बनने से संतान और परिवार को लेकर लापरवाही मत करिएगा, गंभीर बीमारी भी हो सकती है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हो सकता है घर में पढ़ाई न कर पाए, किसी सेंटर में जाए, पार्क में जाकर पढ़ाई करिए, दोस्त के पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई से एक दिन भी दूर न रहे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। फैमिली में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हो सकता है कि जमीन को लेकर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अचानक से यात्रा आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, आज दिल की चोट आपको लग सकती है। आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर व्रत करना चाहिए। संतान सुख, संतान से सुख की चाहत है, परिवार में शांति नहीं है, शांति लाना चाहते हैं तो आज विधि पूर्वक धूप अगरबत्ती करिए मंदिर में, 3 मिनट तक विष्णु जी का ध्यान करिए, पीले पुष्प और पीली मिठाई अर्पित करें, फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। उसके बाद एक मौली का धागा लीजिए, उसमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर 14 गांठ या 16 गांठ वाला धागा बना लीजिए, उसे अपने पर्स या वॉलेट में रखिए या फिर बाजू में बांध सकते हैं, कलाई में बांध सकते हैं, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद गणेश महोत्सव का आज आखिरी दिन है, क्यों किया जाता है गणेश जी का विसर्जन ये जान लेते हैं। वेद व्यास जी ने भाद्रपद शुक्ल की शुक्ल पक्ष चतुर्थी से महाभारत कथा का श्री गणेश करके लगातार 10 दिनों तक गणेश जी को कथा सुनाई थी, जिसे गणेश जी ने अक्षरक्ष लिखा था। फिर 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। तब वेद व्यास जी ने शरीर के तापमान को ठीक करने के लिए उनको जल के कुंड में ले जाकर बिठा दिया। उससे उन्हें शांति और शीतलता का अनुभव हुआ और वह दिन था चतुर्दशी का। तब से गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक का हम पर्व मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर गणेश जी का विसर्जन करते हैं अगले साल वापस आने के लिए या प्रार्थना करते हुए। तो बोलिए गणपति बाप्पा बोरिया। आइए बात करते हैं धनु राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी प्रोफेशन वाले लोगों के लिए आज परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। व्यापार में किसी नए विचार पर काम करना शुरू करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपको अपने नियमित काम के लिए ऊर्जा मिल जाएगी और नौकरी में सफलता भी मिल जाएगी।
फैमिली के साथ आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आपको लंबे समय से जिस अवसर की तलाश थी वो मौके जल्द मिलेंगे। अचानक से स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने काम के अलावा दूसरी चीजों में रुचि होने लग जाएगी। रिलैक्स रहेंगे और मूड भी आज अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ काफी दिनों के बाद आज लॉन्ग ड्राइव पर जाना या कुछ स्पेशल खरीदने का मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए थोड़ी परेशानी से बाहर निकलना दिन है। मौसम परिवर्तन आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। अनंत चतुर्दशी पर आज व्रत करें। अगर आपका कोई अपने से रूठ गया है तो विष्णु भगवान का ध्यान करिए और उनके समक्ष एक मिट्टी का कलश लेकर उस पर हल्दी से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं, उसमें रौली चावल से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 मिनट तक जाप करें, नहीं तो एक माला जाप करें। इसके बाद उस कलश में पानी भरकर थोड़ी सी दूर्वा डालकर दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण देवता को मंदिर में या फिर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां से लोग पीने का पानी पीते हो, आपका कल्याण हो जाएगा। मकर राशि, संपत्ति के विवाद हल कर लीजिए, चाहे अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना बेचना रिनोवेशन डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो। धरती और शूलियों के बनने से बिजनेस में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। व्यापार में किसी बात पर, सामान्य सी बात पर भी आज कोई झगड़ा फसाद हो सकता है, इसलिए जितना मौन रहोगे उतना अच्छा है। नौकरी में आप फाइनेंस को लेकर असुरक्षित महसूस करेंगे, थोड़ी बोरियत भी रहेगी, लेकिन वर्क प्लेस पर आप हर काम को खुश रहकर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गंभीर मुद्दों में आज आप चर्चा नहीं करें तो बेहतर रहेगा। आपके डिसीजन अगर इमोशंस में आकर होंगे तो करियर में आज कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए आज डिसीजन न ले तो बेहतर है। अचानक से ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग और एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाइए, इसी में आपकी भलाई है। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। सोशल लेवल पर आपकी वाहवाही रहेगी, आपकी पोस्ट बहुत वायरल हो सकती है या फिर लोग पसंद करेंगे। परिवार के दृष्टिकोण से दिन बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि घर परिवार से जुड़े मामले हल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर व्रत करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को या जिंदगी गाड़ी जो पटरी से उतर चुकी है उसे ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो विष्णु भगवान का ध्यान करें। पीले पुष्प और पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक माला जाप करिए और पीली चीजों का आज दान करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि, मन को शांत और जुबान को आज आराम दीजिए। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की सिर्फ प्लानिंग करिए, इंप्लीमेंट नहीं करना है। धरती और शूलियों के बनने से वर्क प्लेस पर आपके टीम के साथ मैनेजमेंट की सराहना लोग करेंगे। सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छा बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांच और रोमांस रहेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए। ज्ञान सबके पास है, बस ज्ञान का बखान मत करिए। आप नहीं, आपका काम बोलेगा तो अच्छा रहेगा। आपको अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का विचार है तो यह अवसर आपको जल्द मिलेगा और बड़ों से परमिशन भी मिल जाएगी। सुख सुविधाओं पर जरूर खर्च करिए, लेकिन कर्जा लेकर बिल्कुल नहीं। ट्रैवल के दौरान एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर आज व्रत करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि संतान सुख, संतान से सुख, परिवार का सुख हो, अपना घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का सपना साकार हो, तो आज एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रौली से तिलक लगाइए, यानी कुमकुम से भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं, और सुनने के बाद एकाक्षी नारियल को अपने बच्चे और परिवार के सभी सदस्यों के हाथ लगवाकर मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ डोनेट कर दीजिए। मीन राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आप अलर्ट रहिएगा। विष दोष के बनने से आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। बुकिंग खाली जा सकती है, हाथ आए हुए ऑर्डर चले जाएंगे लेट लतीफी और लापरवाही वजह से। व्यापार में इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचना चाहिए और इमोशंस पर आकर डिसीजन नहीं लें। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, लाइजर हैं, थोड़ी टेंशन कोई ग्राहक या क्लाइंट आपको दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके काम को लेकर उच्च अधिकारियों को डाउट हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती आपको दुखी कर सकती है। फैमिली में आपकी किसी गलती से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। खान पान पर ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम आज गड़बड़ रहेगा। ट्रैवल में जोखिम बिल्कुल मत उठाइएगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप जैसा दिन चाहते हैं वैसा ही दिन होगा, लेकिन जैसे दिन को चाहते हैं उसके अनुसार जो परिश्रम और स्मार्ट वर्क करना है वो करना मत भूलिएगा। आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर व्रत का संकल्प लीजिए। परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु जी का दूध से अभिषेक करें, पीले पुष्प रौली अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं। भगवान पर चढ़ाई गई रौली से
अपनी और परिवार के सदस्यों की कलाई पर टीका करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, अमृत के चौघड़े का महत्व जान लेते हैं। यह समय किसी भी नए काम की शुरुआत, यात्रा और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के लिए शानदार माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस समय के दौरान शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलने की गारंटी ज्यादा बन जाती है। मन में एक विश्वास और आत्मविश्वास की भावना होती है और काम भी सफल होता है, पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो विष्णु भगवान और गणेश जी पूजा तो करेंगे करेंगे, लेकिन आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को 11 लड्डू का भोग लगाएं और वहीं पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। गरीब, असहाय, बेजुबान लोगों को या जानवरों को भोजन या उनके काम की चीजें आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।